अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं? ठीक है, लूप्स जैसे हम जनरल टर्म में भी लूप यूज करते हैं, रिपीटेशन, रिपीटेशन हम बोलते हैं। जब भी हमें कोई रिपीटेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं लूप, इसको लूप करा दो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं, अगर ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड को एक स्टूडेंट को हम लेंगे, ठीक है, हम इस स्टूडेंट को बोलेंगे यहाँ पे से आप स्टार्ट करो और यहाँ से स्टार्ट करके आप इस ग्राउंड के जो है 10 राउंड्स लगाओ, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एक बार आएगा यहाँ, यहाँ यहाँ से इसने राउंड कंप्लीट किया तो यहाँ पे पहुंच गया, तो ये गिनेगा एक, एक कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करता जाएगा करता जाएगा, जब इसके टोटल राउंड जो है 10 पहुंच जाएंगे ये स्टॉप होगा। तो क्या कर रहा है ये? हर बार एक ही काम कर रहा है, एक ही बार काम कर रहा है। लेकिन इस एक काम, लेकिन इस हमने इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट से ये रिपीटेशन एक वर्क कर रहा है, काम करता जा रहा है करता जा रहा है, और किसी कंडीशन तक करता जा रहा है, ठीक है ना। कहीं चीज पे लूप में कंडीशन नहीं होती, तो एक लूप है। और इस लूप में क्या है, कंडीशन ये है कि इसको 10 बार एक राउंड जो है इस ग्राउंड के 10 बार करने हैं, ठीक है। कहीं चीज पे क्या होता है कि हमें कंडीशन नहीं होती है कि सपोज ये एक, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल बोली, ये एक फाइनाइट लूप है, इसमें जो नंबर ऑफ इटरेशन है 10 है, यानी इसको इस बच्चे को 10 बार जो है राउंड करना है, तो इस ग्राउंड के जो इसका राउंड करना है 10 बार करना है, या जितने बार हम इसको बताएं। एक ऐसी भी बात होती है कि हम कभी किसी स्टूडेंट को एज ए पुनिशमेंट बोलते हैं कि आप राउंड करो, चलो राउंड करो, तो वो ग्राउंड के राउंड लगाता रहता है, हम उसको कंडीशन बोलते नहीं है कि कितने करने हैं, ठीक है। ओब्वियसली हम किसी टाइम उसे ये भी बोलेंगे कि आप रुक जाओ, ठीक है। तो वो जो है उसको इनफिनाइट लूप भी बोल सकते हैं। या हमारी घड़ी जो है, जो हमारे एनालॉग क्लॉक्स होते हैं या वॉच होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं, वो इनफिनाइट लूप में होते हैं जब तक उनकी जो बैटरी है वो खत्म नहीं हो जाती। सपोज किसी की हम बोलेंगे बैटरी खत्म नहीं होगी, तो वो इनफिनाइट लूप में है, वो चलता जा रहा है, जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे वो चलता चलता जा रहा है। तो वो एक ही काम करता, तो हमारी घड़ी जो है रिपीटेशन में वही काम करती रहती है, चलती रहती है चलती रहती है। तो वो उन वाली जो हमें रिपीटेशन कोई काम करना हो उन काम उसको हम बोलते हैं लूप, लूप वाले काम। क्योंकि प्रोग्राम में हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो रियल लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें लूप्स में काम करना पड़ता है, ठीक है। उस चीज को एड्रेस करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लूप्स हैं, हमें बहुत सारे किस्म के लूप्स हैं। फिलहाल जब हम सी की बात करेंगे तो सी में 3 इंपॉर्टेंट लूप्स हमें दिए गए हैं। वन इज कॉल्ड एज व्हाइल लूप, एक का नाम है वाइल, ठीक है, एक का नाम है डू वाइल, एंड वी हैव अनदर कॉल्ड एज फॉर लूप। तो 3 हमारे पास यहाँ पर लूप्स हैं, ठीक है, रिपीटेशन काम करने के लिए, ठीक है। तो नई लैंग्वेज में और या बाकी लैंग्वेज में आप देखोगे कुछ और भी लूप्स है, फॉर इच वगैरह लूप्स है, कुछ नए लूप्स वो भी इसी तरह के लूप्स है, तो थोड़े से उनमें ट्वीक्स वगैरह है। फिलहाल लूप्स का जनरल जो है कंसेप्ट अगर एक बार समझ आया तो ये आप फिर कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आज इंशाल्लाह देखेंगे कि व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक अच्छे से इस पर ध्यान दो। मैं एक इंटीजर पार्ट लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इंटीजर में एक वेरिएबल लिया आई, इसका वैल्यू पहले 0 रखा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सपोज 1 to 5 में प्रिंट कराऊं, 1 to 5 में। अब ये तो इजी है, लेकिन एक मैं ऐसे कर सकता हूँ प्रिंट एफ सपोज 1, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट अब लिखूंगा, या बैक स्लैश एन करूंगा लिखूंगा 2, बैक स्लैश एन करूंगा लिखूंगा 3, है ना। तो मैं कर सकता हूँ 4, 5 लिख सकता हूँ ऐसे सपोज। लेकिन अगर यही काम मुझे मुझे 10,000 बार लिखना है, तो वो ऑब्वियस पार्ट है कि उसके लिए मैं प्रिंट एफ तो नहीं इतने लिखूंगा, 10,000 प्रिंट एफ, वो तो बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा।
तो इसके लिए मुझे यहाँ पर काम आता है लूप, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ वाइल लूप कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं वाइल, ठीक है, उसके बाद कंडीशन। अब मैं अभी कंडीशन, उसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर वाइल की बॉडी लिखते हैं जो हमें इसमें बॉडी में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये वाइल का जनरल सिंटैक्स है, वाइल कीवर्ड है, ठीक है, वाइल। फिर उसके बाद एक कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन का मतलब कि ये कब रुकना चाहिए, ठीक है। हम इसको हमेशा के लिए भी चला सकते हैं, इनफिनाइट लूप जो जो मैंने बोला इससे पहले कि इनफिनाइट लूप हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑप्शन है इनफिनाइट लूप की, तो इनफिनाइट लूप भी हमारे पास हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इनफिनाइट लूप अभी नहीं करेंगे। हम इस कंडीशन में रखेंगे सपोज 5, 10, 15 ऑप्शन, या यहाँ पर हम फिलहाल के लिए रखेंगे छोटी सी कंडीशन, कम ही चलाएंगे। फिर उसके बाद लूप की बॉडी, लूप की बॉडी में हम बोलते हैं कि हमें क्या काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मानो सपोज मुझे ये प्रिंट करना है 0 से लेके 10 तक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा वाइल आई लेस देन 11। अब मैंने 0 स्टार्ट किया, आई 0, तो मैं बोलता हूँ जब तक ये आई लेस देन 11 है, यानी जब तक ये 10 तक पहुँचेगा, ठीक, 11 जो ही ये पहुंच गया इसको आप रोक दो, ठीक है। सपोज मैं उसके बाद करूंगा प्रिंट एफ, मैं हर बार प्रिंट एफ करता जा रहा हूँ, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी पर्सन डी, मैं हर बार इस आई का वैल्यू जो है प्रिंट करा रहा हूँ, हर बार मैं इस आई का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आ गई, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो ही ये प्रोग्राम यहाँ पे पहुंच जाएगी, चेक करेगा, पहले ये चेक करेगा वाइल आई लेस देन 11, तो पहले जो हमारे पास वैल्यू है आई का, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, तो क्या ये 0 लेस देन है 11 के? यस, 0 इज लेस देन 11, इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई और ये लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी, ये लूप की बॉडी तब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर लूप की बॉडी जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि आई का वैल्यू पहले 0 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें यहाँ पे ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर अब प्रिंट एफ जब एग्जीक्यूट हो गया, तो पहले हमें लूप का जो है यहाँ पे प्रिंट एफ आई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, आई का वैल्यू जो हो गया तो आई का वैल्यू 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, इस प्लस प्लस का जो हमने पहले ही मैंने आपको बोल भी रहा था कि इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो अगर ये पहले अभी 0 था तो इसमें प्लस 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो आई का वैल्यू क्या है, 1 हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हमें पहले 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने आई प्लस प्लस किया, इसका मतलब आई का वैल्यू हमें 1 बन गया। अब ये यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, तो ये सीधे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लूप का क्या काम होता है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये फिर से वापस चला जाएगा, ठीक है। ये यहां से क्या करेगा, यहां पर वापस आ जाएगा इस कंडीशन पे, हालांकि ये बाहर जाना चाहिए, लेकिन लूप में यही काम होता है, लूप में काम रिपीट हो जाता है, ठीक है। ये वाला काम रिपीट हो जाएगा, ये वाला काम ये फिर से इसको चेक करेगा कि आई कहीं लेस देन 11 है कि नहीं है, आई का वैल्यू अभी 1 है, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 11, तो ट्रू आ गया। जो ही ये ट्रू आ गया, ये यहाँ पर हमें पहुंच गया फिर से, तो आई का वैल्यू प्रिंट होगा, आई का वैल्यू अभी हमने, क्योंकि वो एक प्लस प्लस हो गया हमने, वो 1 आएगा, तो यहाँ पर हमें दूसरी बार 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आने के बाद ये वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, तो आई 1 था, आई को एक और एड हो गया, तो आई बन गया 2, ठीक है। अब फिर से वापस चला जाएगा यहाँ पे, आई लेस देन 11 है कि नहीं, जब लेस देन 11 हमें मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 लेस देन 11 है,
तो फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगा और टू वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से ये करेगा काम, आई प्लस प्लस करेगा तो थ्री बनाएगा, आई का अब वैल्यू थ्री बन गया। हर बार ये खुद से याद रखेगा कि आई का नया वैल्यू क्या है, या आई का नया वैल्यू। जो ही ये टेन वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है, जो ही ये टेन वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो टेन वैल्यू भी प्रिंट होगा। टेन के बाद यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी ये अलेवन बन जाएगा, तो जब ये कंडीशन अब चेक करेगा, I is not less than 11. I is equal to 11. तो equal और less में फर्क है। तो जो ही अब less than 11 आ गया, तो ये सारा लूप जो है अब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये वाली जो लाइन, तो ये जो दो लाइन थी हमें, ये दो लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी, ये लूप का काम खत्म हो गया। यानी जो मैंने बोला था पहले ही कि एक हमें वो एक 10 राउंड करने हैं, तो ये इसको समझ आ गया कि 10 राउंड हो गए, अब ये राउंड नहीं करेगा, अब ये इस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, अब ये सीधे लूप के बाहर यानी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने और काम करना होगा हम कर सकते हैं। अब हमारे प्रोग्राम में हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस प्रोग्राम में हमें जीरो से लेके टेन तक प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार चेक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो गया, हमें आ रहा है पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ठीक है। तो टेन आ गया हमारे पास। हम यही यहाँ पर सपोज इसको हंड्रेड भी लिख सकते थे, लेस देन हंड्रेड, तो 99 तक वैल्यूज आते, या लेस देन टू, या कोई ऐसा काम भी हो सकता है हमें जो हमें 10,000 बार करना हो, या एक दो बार, या तीन बार, या चार बार। तो जो भी कोड हमें ज्यादा एग्जीक्यूट, एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है, वो हम लूप्स में रखते हैं। लेकिन लूप्स में ध्यान रखना होता है, यहाँ पे मैंने इसकी एक कंडीशन रखी। कंडीशन का मतलब कभी ना कभी तो लूप बंद होना चाहिए। अगर मैं इसको कंडीशन नहीं रखूं, ऐसी एक कंडीशन दूं कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये प्रोग्राम चलता जाएगा, ये कभी लूप से बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए मैंने इसको यहाँ पे एक एक इंक्रीमेंट किया, एक एक ऐड करता जाया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये जीरो पे था, तो जीरो कभी 11 तक पहुंच ही नहीं जाता अगर मैं इसको एक एक इंक्रीमेंट न करता, ठीक है। तो लूप में दो चीजें हैं, एक तो वो वाला पोर्शन है कि कंडीशन, कि कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है कि मुझे कितने देर तक लूप को चलाना है, तो वो कंडीशन हम देंगे। और मुझे ये भी देखना है कि कंडीशन ट्रू होनी भी चाहिए कभी, अगर मुझे इन्फिनाइट लूप नहीं बनाना है, मोस्टली हम इन्फिनाइट लूप नहीं बनाते हैं, अगर मुझे इन्फिनाइट लूप नहीं बनाना है, तो तब मुझे अपने कोड में ऐसी कुछ चेंजेस करनी है कि मेरी जो कंडीशन है, एग्जीक्यूशन कंडीशन, वो कभी ना कभी तो ट्रू होनी चाहिए और लूप खत्म होना चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे इसको हर बार मैं इसको एक एक प्लस करता गया और मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसको बनाता गया। 10 तक मैंने प्रिंट किया, जो ही ये 11 आ गया, मेरी कंडीशन जो यहाँ पर है ये ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन, और ये लूप्स के बाहर आ गया, ठीक है।